जी आ लिए साहिबा। बहुत शुक्रिया आयशा। कल तुम वाकई एंगन के साथ थी या मेरी आंखें धोखा खा रही थी आलिया? उसी के साथ थी। इतनी जल्दबाजी मत करो, इस बारे में हम लोग तफसील से बात करेंगे। एंगन को लेकर मैं संजीदा हूँ यिल्डिज़। वाह, और ये कब से शुरू हुआ? उसी दिन से जिस दिन से फैसला किया है मैंने। खानदान जानती है इस बारे में? कहीं वो समंदर में धक्का ना दे दे। खानदान कौन होती है? दरअसल ये तो एक शुरुआत है यिल्डिज़। सारे इकदाम कर चुके हैं हम लोग। अगर ये बात है तो अब मैं क्या कहूँ तुमसे? मुझे लगा था शादी और मोहब्बत से तुम्हारा यकीन उठ चुका है आलिया। मैं अपना यकीन बहाल करने की कोशिश कर रही हूँ यिल्डिज। अब जैसे कि मेरे साथ खुश इखलाक और अमीर आदमी मौजूद है तो ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है मुझे? मैं अच्छी तरह समझ चुकी हूँ कि तुमने ये फैसला क्यों किया है। बस मुझे जो फैसला करना था वो मैंने कर लिया है, अब इस बारे में मुझसे बात मत करो तुम। वैसे तुम बताओ। क्या बताऊँ, बेइज्जती हुई। हैरान क्यों हो रही हो, तुम तो पैदा ही इसीलिए हुई हो। आलिया। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरे झूठ के बारे में पता चल गया है दुआन को। बहुत कुछ कह रहा था, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ, लेकिन फिर भी मैंने मामला संभाल लिया। मगर उसने जो भी कहा वो पहले से सोच रखा होगा उसने। मुझे अभी भी चाहता है ये कह रहा था वो। नहीं हो सकता ऐसा, उसने अब सब मुझ पर छोड़ दिया है और कहा कि जल्दी कोई फैसला करो। ओह, तो अब तुम क्या करोगी? पता नहीं मैं क्या करूँ, मेरा तो दिमाग ही माउफ हो चुका है। अब जबकि तुम इतना बड़ा काम कर चुकी हो तो आगे अब तुम्हें क्या करना है ये भी तुम जानती हो। यिल्डिज़ क्या पता कि हम दोनों एक ही दिन शादी कर ले। मुझे नहीं मालूम आलिया, मेरा तो दिमाग ही खराब हो चुका है। खैर तुम बैठकर अपना दिमाग ठिकाने पर लगाओ, मैं जा रही हूँ ऑफिस। वैसे एक बात पूछनी थी तुमसे, एंगन को आज रात यहाँ डिनर पर बुला लो, इस तरह हम भी अपने दुल्हा भाई से मिल लेंगे। अच्छा ख्याल है, मैं पूछकर बताती हूँ तुम्हें। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। आखिर को हम लोग लड़की वाले जो ठहरे। बाय। ये परिंदे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? गुड मॉर्निंग एंगन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। खुशामदीद एंगन साहब। बहुत शुक्रिया। मुनज्जा साहिबा को कहिए कि मुझसे आके मिलें। मुनज्जा खानदान साहिबा की असिस्टेंट हैं, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मुझे उनसे कुछ जाती बात करनी है, प्लीज उनको बताएं। आ जाएं। एंगन साहब, आपने मुझे बुलाया जी था? जी बिल्कुल, आप अंदर आएं और दरवाजा बंद कर दें। आ जाएं, आ जाएं। बैठें बैठें प्लीज। मुनज्जा साहिबा, आप एक अरसे से मुझे जानती हैं, हमने काफी अरसे एक ही जगह पर काम किया है। हम मुश्किल वक्त के साथी हैं, अच्छा और बुरा दोनों वक्त साथ देखा है। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। कल रात मैंने उसे देखा। किसे? महविश। क्या ये तुम क्या कह रहे हो एंगन? मतलब वो एंगन साहब? अरे कोई बात नहीं, देखें अभी हम सिर्फ पुराने दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। यकीनन वो नहीं थी, वो तो इस दुनिया से बहुत पहले ही गुजर चुकी है, लेकिन वो बिल्कुल वैसे ही थी। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी शक्ल आपस में मिलती है, और वो उनमें से एक है। लेकिन वो कौन थी, आपने कहाँ देखा उसे? दुआन की साहब का बीवी, उसका नाम यिल्डिज़ है। खानदान का पहला शोहर? या अल्लाह। खैर आप मुझसे क्या कहने वाली हैं ये मैं जानता हूँ, मैं एक लम्हा भी नहीं भुला सका उसे, वो आज तक मेरे दिल से नहीं निकली, और अब ऐसा लगता है कि वो मेरे सामने आके खड़ी हो गई हो जैसे। मतलब आप खुद ही देख लें कि मैं क्या था और क्या बन गया हूँ। आप ही बताएं, ये सब कुछ किसी मौजज़े से, मतलब कौन जाने अल्लाह की यही मर्जी हो? वो गैर शादीशुदा है। बिल्कुल ऐसे ही है। या अल्लाह, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा मुनज्जा साहिबा। देखिए मैं आपको नाउम्मीद नहीं करना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, तो इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लीजिएगा। जानता हूँ आप सही कह रही हैं। शुक्रिया शुक्रिया मुनज्जा साहिबा। आ जाएं। खानदान साहिबा। आज एंगन साहब किसी गहरी सोचों में थे, मेरे ख्याल से किसी बात पे परेशान हैं वो। अच्छा तो तुमने पूछा नहीं उनसे? मैंने पूछा तो उन्होंने कहा नहीं, मुनज्जा को बुला दें। तो तुम उन्हें मना कर देती? कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला मुझे, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की मगर मना कर दिया उन्होंने।
या मेरे अल्लाह, अब मुझे समझ नहीं आ रहा वो मुनज्जर से क्या बातें कर रहा होगा। मुझे भी नहीं मालूम और पूछने से डर लग रहा है मुझे। बिल्कुल मत पूछना तुम उससे। मैं मुनज्जर से खुद बात करूंगी, तुम जाओ और अपना काम करो। ठीक है अंदान साहिबा। यिल्दिज़, अब बताओ मुझे कल रात क्या हुआ? मैं झूठ बोल रही थी, दुआन को पता चल गया। हाँ, यही उम्मीद थी मुझे। तुम्हें क्या लग रहा था? अब हम सब उनकी नजरों में झूठे बन गए। हाय, जब मैं ही झूठी हूँ तो उसे मेरे खानदान की ईमानदारी से क्या गर्ज है? तुम भी हद करती हो ज़ैनब। जो हम हैं भी नहीं। खुदा के लिए अम्मी, रहने ही दीजिए आप तो। क्या हुआ, ज्यादा चिल्लाए तो नहीं वो? ज्यादा गुस्सा तो नहीं किया उन्होंने? मुझे चाहता है ये कहा उसने। क्या क्या? उसने साफ साफ ये तो नहीं कहा कि वो मेरी मोहब्बत की आग में जल रहा है, लेकिन सच यही है। देखा मैंने क्या कहा था, तुम उसी के लिए बनी हो। मतलब वो चाहता है कि तुम उसी के सामने रहो और उसी के इर्द गिर्द फिरो। मैंने पहले ही कहा था कि तुम उससे जाकर मिल लो। अरे वाह अम्मी, बहुत ही अच्छा आइडिया दिया आपने माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। अब तुम मेरी बात जरा गौर से सुनो, आजकल के दौर में सच्चाई और ईमानदारी काम नहीं आती, पैसा भी बहुत जरूरी है। मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, मैं क्यों आ गई यहाँ पर? बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, क्या करूँ मैं? इनकी बातों को दिल पर मत लो मेरी जान। तो फिर यिल्दिज़, अब क्या होगा? हमने ये सब कुछ बेमकसद किया है, बताओ मुझे। अभी मुझे कुछ नहीं पता, मैं खुद परेशान हूँ अम्मी। यिल्दिज़, बस ये बताओ कि तुम उसे चाहती हो या नहीं चाहती? पता नहीं मैं चाहती हूँ या नहीं चाहती, मुझे नहीं पता। पता चल गया बेटा, मगर मुझे उस पर भरोसा नहीं है। दिल कहता है कर लो और दिमाग कहता है नहीं करो भरोसा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ैनब, तुम अपना मुंह बंद रखो, चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं? आखिर ये मेरी बहन है, आप चाहती हैं कि ये गलत फैसला कर ले? क्या आप लोगों ने मुझे बताया नहीं था कि वो कितना खतरनाक इंसान है? हाँ है, हम उसे ठीक कर देंगे, तुम इसकी फिक्र मत। हाँ हाँ अम्मी, आप तो कुछ भी कर सकती हैं। यिल्दिज़, पीछे मुड़ के देखने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें अपने बेटे का भी सोचना होगा। सही कह रही हो ज़ैनब, सोचूंगी मैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मुझे तुम लोगों से एक इम्तिहान लेना होगा। कैसा इम्तिहान? हमें तुम्हारे लिए एक अच्छा आदमी तलाश करना पड़ेगा। रुको मैं अभी आती हूँ। इनका बस चले तो पूरी दुनिया अपने इर्द गिर्द घुमा दे, हमारी अम्मी भी ना। जी जी जरूर जरूर, कोई मसला नहीं, जैसे तुम कहो। बहुत शुक्रिया। हेलो आलिया, शामदीद। कैसे हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, तुम्हें कुछ बताने के लिए आई हूँ। अच्छा, मुझे भी तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी वैसे, लेकिन खैर तुम कहो क्या बात। ठीक है, यिल्दिज़ ने आज रात खाने पर बुलाया है तुम्हें। वाकई में? मेरा मतलब हम दोनों को बुलाया है। दरअसल वो कल रात हम दोनों को साथ देख लिया था ना, तो वो हैरान थी, उसने मुझसे पूछ लिया, मैंने छोटा सा इशारा दे दिया, तो फिर वो जिद करने लगी कि किसी भी तरह उसे खाने पर बुलाओ। ठीक है बिल्कुल जरूर जाएंगे। नाइस, चलो तब तक मैं अपना काम खत्म कर देती हूँ। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए नया सूट मंगवाया है, वो तुम्हारे घर भिजवा दूंगी, उसे ही पहनकर वहाँ आना। ठीक है? ठीक है, वो मैं कह रहा था कि मुझे कुछ लेके जाना चाहिए, मेरा मतलब पहली बार जा रहा हूँ ना उसके घर में। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, कोई ऐसी चीज लाना जो तुम पर सूट करे, अच्छी चीज होनी चाहिए बहुत। वैसे यिल्दिज़ को कीमती चीजों का कुछ ज्यादा पता नहीं है, तुम ऐसा करना कि शुक्रिया के तौर पर कल उसके घर पर एक अच्छा सा बुके भेज देना। एक बिजनेसमैन को ऐसा ही करना चाहिए और यिल्दिज़ भी इस तरह खुश हो जाएगी। तो महंगी चीज लाने की जरूरत नहीं है तुम्हें कोई। वो तो ठीक है, मगर फूल किस तरह के? नकली फूल तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, किसी भी रंग के हो सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से ऊद बहुत अच्छे रहेंगे। मेरा मतलब, अगर ऊद के फूलों का अच्छा सा बुके बनाया जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि यिल्दिज़ को वो बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा कुछ और भी लाना चाहो तो ला सकते हो, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, इस मौसम के हिसाब से अच्छे रहेंगे। फूलों के अलावा भी कुछ हो सकता है आलिया? अरे एंगन, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक बिजनेसमैन को हमेशा मुनफरिद सोचना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, यिल्दिज़ को इन चीजों की सूझबूझ नहीं है, तो चीज महंगी हो या सस्ती हो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो है ही ऐसी नासमझ। चलो फिर ठीक है, वैसे देखा जाए तो हर मामले में तुम मेरी कितनी मदद करती हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, बहुत अच्छी हो तुम। हम जल्द शादी करने वाले हैं एंगन, और मेरे होते हुए तुम्हारी किस्मत बुलंद रहेगी, ये बात सहन नशीन कर लो। ओके ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं हम लोग। बाय बाय। बाय बाय। ये हुई बात, तो मतलब अब मुझे यिल्दिज़ के लिए फूल लेने होंगे। ये आधे घंटे में तैयार करके दो मुझे। तुम इतनी देर से कहाँ थी? अच्छा मैं
एंगन के साथ थी खानदान, तुम कभी भी उसकी नजरों से ओझल नहीं होती। खानदान, आखिर मेरे खिलाफ क्यों हो रहे हो तुम इतना? क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत का बखूबी अंदाजा है। हाँ ठीक है, तो फिर तुम्हें मेरी आदत डाल लेनी चाहिए खानदान, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हूँ। क्या मतलब इसका? जल्द पता चल जाएगा। या अल्लाह, कहीं ये मेरे भाई को पसंद तो नहीं करने लगी। मुनज़्ज़ा को फौरन भेजो मेरे पास। ठीक है, मैं शुरू कर रही हूँ, तुम लोग तैयार हो? पहला सवाल ये है कि मर्द की ऐसी कौन सी चीज है जो कि सबसे पहले आपको अपनी तरफ मुतवज्जा करती है? ए उसका दिमाग, बी उसके मसल्स, सी उसकी आवाज और डी उसकी चाल। और ऑप्शन नहीं है? और क्या चाहिए यिल्दिज? पैसे, जायदाद? नहीं, मेरा जवाब है ए, दिमाग। हंस क्यों रही हो जहानत? मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चले मैं जवाब देती हूँ, मेरे लिए आवाज। वैसे दुआन की आवाज बहुत रोबदार और अच्छी है, करिश्मेटिक आवाज। वैसे सही कह रही हूँ ना मैं? सही कह रही हो बिल्कुल। दूसरे सवाल के लिए तैयार हो तुम लोग? तो इनमें से कौन सा शख्स आपके नजदीक आपके ख्वाबों का शहजादा है? ए ब्रैड पिट, बी लियोनार्डो डी कैप्रियो, सी दुआन यिल्दिरिम, डी रेसिप एविदिक। क्या ये किस किस्म की फहरिस्त है? ये एक तरह का सरप्राइज है ज़ैनब। ब्रैड पिट का तो हाल ही में काफी चर्चा रहा है और उसका एंजेलिना के साथ भी ताल्लुक अच्छा नहीं था, तो उसे तो रिजेक्ट कर दिया मैंने। लियोनार्डो मुझे बचपन में पसंद तो था, लेकिन जब मैं 25 से ऊपर की हुई तो वो दिल से उतर गया। और तीसरा दुआन अभी अच्छा है, और इसके अलावा चौथा भी मेरे टाइप का नहीं। तुम मौका ढूंढ रही हो दुआन कहने का? तुम थोड़ी देर के लिए खामोश होगी ज़ैनब? मेरा तीसरा सवाल, अगर आप कभी मुश्किल में घिरे हों तो कौन सा सुपर हीरो आपको बचाने आना चाहिए? मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद बचा लूंगी अपने आप को। हाय ज़ैनब, ए बैटमैन, बी सुपरमैन, सी स्पाइडरमैन, डी गैसमैन। क्या बेटा, कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो क्या? मैं एक घंटे से तुम लोगों से अपने बनाए हुए सवाल पूछ रही हूँ, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। निहायत मायूस किया तुम दोनों ने। अम्मी चले हमारा रिजल्ट तो बताएं। तुम पहले ही इंतखाब कर चुकी हो यिल्दिज, जरा सोचना इस बारे में। यिल्दिज, दुआन तुम्हारा हुआ और ब्रैड पिट मेरा। क्या भूल गई हो उसने एंजेलिना और जेनिफर के साथ क्या किया है? और तुम भूल गई हो कि दुआन ने तुम्हारे साथ क्या किया? दिमाग खराब मत करो मेरा, ज्यादा सच बोलने की कोई जरूरत नहीं है। उफ, मेरे तो सर में दर्द हो गया सोच सोच कर। आ जाओ। आपने मुझे बुलाया था खानदान साहिबा? मुनज़्ज़ा साहिबा आइए। एंगिन साहब ने आपको कमरे में क्यों बुलाया था? क्या कोई बात हुई है? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ काम था उन्हें मुझसे। ऐसी क्या बात है? मेरा मतलब आप मेरी सेक्रेटरी हैं और माहरुख एंगिन साहब की। वो ऐसा कौन सा काम है जो माहरुख से नहीं हो रहा और आपने कर दिया? दोस्ती। दोस्ती क्या मतलब? खानदान साहिबा, आपको ये बात पता होगी कि एंगन साहब और मेरे तालुकात बहुत पुराने हैं। हमने हिलमी साहब के पास बहुत अरसा काम किया है। हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यानी बहुत अच्छी दोस्ती है हमारी। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अगर मेरे भाई को किसी दोस्त की जरूरत है तो मैं मौजूद हूँ, मतलब उसे कोई मसला है तो वो मुझे बताए। मगर ये बात तो एंगन साहब को सोचनी चाहिए। बिल्कुल सोचनी चाहिए, लेकिन अगर मुझे पता चल जाए तो बेहतर होगा। मालूम है वो मेरा भाई है, उसके पास मेरे अलावा कोई नहीं है। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मुझे मालूम है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। और कुछ पूछना है आपने? नहीं। हेलो आलिया साहिबा। हेलो आदिल, कैसे हो और क्या हो रहा है? चलो बताओ मुझे। कुछ नहीं, कॉल का इंतजार कर रहा था। शाबाश, तुम तो एक बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम मेरे खिलाफ नहीं जा सकते, ये फैसला करके तुमने अच्छा किया। अगर तुम मेरे खिलाफ जाते तो जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठते। चलो तो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हें क्या काम करना है। मेरा दुआन का जो दुश्मन है वो कौन है, और मुझे
उससे मुतालिक एक एक बात बताओगे तुम तफसील के साथ। ठीक है, तुम बहुत कुछ जानते हो ना उसके बारे में। आलिया साहिबा, वो इटली में है। वो जहाँ कहीं भी है मुझे उससे कोई गर्ज नहीं और ना ही मुझे इससे कोई फर्क पड़ता है। समझ गए तुम? दुआन का दुश्मन क्यों है वो? ऐसा क्या किया दुआन ने उसके साथ? हर चीज तफसील के साथ एक फाइल तैयार करके भेज देना मुझे। समझ गए मेरी बात? जी समझ गया। और वैसे भी तुम दुआन के साथ हो वहाँ, तो जहाँ तक हो सके तुम कंपनी की सारी मालूमात उसके दुश्मन तक पहुँचाओगे। कोई भी गफलत मत करना। ठीक है, बाय बाय आदिल। मीटिंग अभी खत्म हुई है, शुक्र है आप नहीं आए। मेरा तो सर फट रहा है, क्या बताऊं आपको दुआन। मुझे पता था इस बारे में, इसलिए मीटिंग में नहीं आया मैं। खैर, आपकी कोई बात हुई? आपने बताया नहीं। किस बारे में? क्यों, आपको नहीं पता क्या? यिल्दिज से कोई बात हुई ये पूछ रही हूँ मैं। आपने बताया उसे कि आप सब जानते हैं? क्या कहा फिर उसने? यकीनन मुकर गई होगी वो। ऐसा कुछ नहीं किया, फौरन अपनी गलती मान ली। उसने दूसरी तरह से कबूल कर लिया? मैं उसके लिए क्या महसूस करता हूँ उसे ये जानना था। मैं समझी नहीं, यानी मुझे यकीन नहीं आ रहा। उसने जो किया वो बड़ी आसानी से उसने एक नई बात बनाकर सब कुछ कबूल कर लिया और आपने मान लिया। आसान नहीं था, लेकिन फिर भी और भी बहुत सी बातें की हम दोनों ने। दुआन, ये सब कुछ क्या है? क्यों क्या हुआ है? तुम मुझसे सवाल कर रही हो और मैं तुम्हें जवाब दे रहा हूँ। यानी यिल्दिज ने जो कुछ भी किया उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता दुआन? क्या मैंने ऐसा कुछ कहा तुमसे कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? दुआन, खुदा के लिए सोचें इस बारे में। यिल्दिज क्यों झूठ बोल रही है पता है ना आपको? हालांकि सब कुछ आपकी आंखों के सामने है, फिर भी आप खामोश बैठे हैं। आपको नहीं मालूम क्या कि वो ऐसा क्यों कर रही है? दुआन, मैं आपको ऐसे परेशान नहीं देख सकती, बिल्कुल भी नहीं। देखें, कभी मत भूलिएगा कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। हम इस रास्ते पर साथ चले थे, जानते हैं आप दुआन। मैं आपको ऐसे हर किस नहीं देख सकती। हया, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलती हूँ मैं। ये देखो ये कैसी रहेगी, बात करके देखते हैं इससे। प्यारी है, यहाँ तो हर लड़की ही तुम्हें प्यारी मिलेगी। ये बताओ तुम्हारे पास पैसे कितने हैं आमिर? मेरे भाई, हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। और मैं ये याद दिलाता चलूं कि कोमल के सामने तुम ही 30 मार खान बने फिर रहे थे। कर्जा उतारने की बात भी मैंने नहीं तुमने की थी कुंवर। अच्छा ठीक है, मुझसे हो गई गलती, लेकिन तुमने जो सोचा है वो बहुत रिस्की है। पैसे भी ज्यादा लगेंगे, किसी को तकलीफ भी पहुँचाएंगे, ये अच्छा नहीं रहेगा। मेरे भाई, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। जो भी है, हम और कर भी क्या सकते हैं इस सब में, बताओ तुम। ये शादी के लिए तुम कुछ ज्यादा ही उतावले नहीं हो रहे हो? इसके अलावा ये भी तो सोचो, हम दोनों दूल्हे बनकर कितने अच्छे लगेंगे। जरा देखो मेरी तरफ, मुझे बिल्कुल हंसी नहीं आई तुम्हारी बात। यार कुंवर देखो, वैसे तो हमारी शादी होने से रही, कम अज कम फर्जी शादी करके खुश हो जाते हैं। मेरी जिंदगी में खुशी ज्यादा देर तक रहती नहीं है, मुझे तो आदत हो गई है इन हालात में रहने की। कुंवर एक दफा ये हो जाए तो सब सही हो जाएगा, यकीन करो मेरा। मुझे तकलीफ में नहीं देखा, इसलिए इतना कुछ कर रहे हो। बिल्कुल समझ गए। और फिर मैं ये कहूंगा कि पहली नजर की मोहब्बत थी, सबको यकीन भी आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम ढूंढते रहो, लेकिन हाँ आपा को इस बारे में बताना होगा। क्या हो गया आलिया, आपा कहाँ से आ गई? क्या हो गया तुम्हें? अगर मैंने आपा को नहीं बताया ना तो वो मेरे टुकड़े टुकड़े कर फ्रीजर में डाल देंगी। ये भी ठीक है। ठीक है फिर, ये सब मैं अकेला देख लेता हूँ, तुम मजे करो जाओ। ठीक है। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। हाँ हेलो 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 आपा, आपा मुझे निकलना होगा, आप तो जानती है कितना काम है मेरे पास। कौन सा और कैसा काम इस वक्त? वैसे आपा ऐसा कोई खास काम नहीं है, बस समझे कि मैं एक मंसूबा बना रहा हूँ। क्या पता मुस्तकबिल में आपको भी उसकी जरूरत पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है। ओ, बहुत अच्छे, चलो जाओ, ठीक है, बाय बाय। देखा तुमने इसे, इसका जज्बा देखकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो रही हूँ। तो अब तुम बताओ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्या हुआ है?
चलो अब जल्दी से होश में आ जाओ और मुझे बताओ क्या बात है। चलो बताओ। जी जी आपा बताता हूँ। मैं सोच रहा था कि हम अपने फारिग वक्त में शायरी कर लिया करें, इससे अच्छा और कुछ नहीं। हाँ सोचो, मगर मैं बताऊँ तुम्हें। आप कुछ लेंगी? मैं इस वक्त सिर्फ सैलड खाऊंगी और कुछ नहीं। ठीक है, तुम कुछ लोगे क्या? नहीं आपा, मुझे भूख नहीं है, शुक्रिया। ठीक है, और कुछ नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। क्या क्या ध्यान से सुनना? आप इस तरह से कहती हैं तो मुझे लगता है कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है। अब क्या हुआ है? एंगन ठीक है बिल्कुल। क्या मतलब? मैं आपकी बात समझा नहीं। आप उससे जब मैं मिली, हद से ज्यादा रोमांटिक माहौल था। हाँ। कोई गड़बड़ नहीं की मैंने, जानते हो। अच्छा तो क्या कहा आपने उसे? आपने कहा कि आप सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबी हुई और उसको आपसे शादी कर लेनी चाहिए और आप बहुत गरीब हो चुकी हैं, आपके पास एक पैसा नहीं बचा, यही कहा? हर कामयाब मर्द के पीछे एक मजबूत औरत का हाथ होता है जो उसके आगे बढ़ने में उसकी मदद करती है, और इसी वजह से वो अपने करियर में ऊपर चला जाता है, बहुत ऊपर, जितना वो सोच भी नहीं सकता था। ढके छुपे अल्फाजों में वार किया आपने, तो अब मुझे ये बताएं क्या वो आपकी बात समझ गया या नहीं? बिल्कुल कुंवर, क्यों नहीं समझता? अगर मुझ जैसी औरत उसे समझाए तो क्या उसे समझ नहीं आएगा? और वो भी मैं, आलिया चलेबी। मैंने उसका हाथ थाम लिया। और इससे ज्यादा उसको जिंदगी में क्या चाहिए होगा? आपा सच कहूं तो मेरे पास अल्फाज खत्म हो चुके हैं आपको समझाने के लिए, चुप ही रहूंगा मैं। अच्छी बात है, उसके कारोबार और पैसों को संभालना मेरा काम है, और उसके बाद उस दुआन को भी अच्छी तरह देख लूंगी मैं। बिल्कुल देखिएगा। ये लीजिए मैडम, बहुत ही फ्रेश लग रहा है ये मुझे, शुक्रिया। अब जाओ तुम। जी ठीक है मैडम। आप खाइए, जो आप छोड़ेंगी वो मैं खा लूंगा। आ जाओ मेरा बच्चा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये आ गया। हाल जान। दुआन अंकल। ठीक हो तुम? जी मैं भी ठीक हूँ, मेरी बहन भी। तो क्या मुझे प्यार नहीं करेगा हाल जान? मैं भी प्यार करूंगा तुम्हें, और अपनी बहन को भी तुम प्यार करना, ओके मेरी जान? समझ गए ना? चलो जाओ, शाबाश, खुदा हाफिज, अपना ख्याल। मेरे साथ आ जाओ। शाबाश, आ गए हम घर, आ गए, आ जाओ, हम घर आ गए। आहा मेरी जान, तो कैसा रहा तुम्हारा स्कूल, बताओ? बहुत अच्छा रहा आज का दिन, आज मैंने पेंटिंग्स भी बनाई और खेला भी। आह मेरी जान, शाबाश। हाले जान ने वहाँ पर पेंटिंग्स की हैं। बहुत खूब। यिल्दिज़ के बाबा भी आए थे। कहाँ आए थे? क्या स्कूल आया था? नहीं भाभी, वो स्कूल के नहीं, घर के बाहर की। हाँ। बात कर रहा है। हाले जान को वो बाहर ही मिल गए। उन्होंने बहन को प्यार करने को कहा। चलो अब अपनी बहन को प्यार करो जल्दी तुम, और फिर जाकर अपने कपड़े भी चेंज कर लेना, गंदे ना हो जाएं। सादिक, क्या उस वक्त वहाँ दुआन अकेला था? नहीं, वो उस औरत के साथ थे। ना होती तो हैरत होती मुझे। खैर तुम हालिद जान का जाके ख्याल रखो, मैं आती हूँ। हालिद जान, मैं आ रहा हूँ। आयशा जी। यिल्दिज़ साहबा, आयशा परिंदे और मछलियों को खाना डालना है, कुछ लेकर आओ जल्दी से। क्या मतलब? तुम्हें क्या कोई मसला है? परिंदों को खाना खिलाना अच्छा होता है। चलो जाओ लेकर आओ जल्दी। तो परिंदों के लिए क्या ले आऊं? वैसे चावल रोटी, अगर तुम्हें दोनों ही ना मिले तो केक लेकर आ जाना, ठीक है ना आयशा? जी ठीक है यिल्दिज़ साहबा। और क्या ये सब ले जाऊं? ये सब बाद में लेकर जाना, पहले जो काम का है वो कर लो। आप लोगों को कुछ चाहिए? बहुत शुक्रिया। अच्छा कॉफी लेकर आना मेरे लिए। खाओ खाओ, मजे से खाओ ये। आ जैसे जाओ, ही आ जाओ, आप सब घर जाओ। में आ जाते हैं, उसका शोर शुरू हो जाता है। बहुत तो इसमें वैसे भी कौन सी नई बात है कोमल, कौन समझाए? दुआएं देते जाओ। इससे हमारा क्या लेना देना? हाँ मुझे यिल्दिज़ पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये शो जरूर देखूंगी। हाँ ये तो बहुत सारे आ गए। हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ खाओ इसे, मेरे अलावा कोई ख्याल नहीं रखता तुम लोगों का। खाना खिलाया जा रहा है परिंदों को। अच्छा तुम्हें नहीं मिला क्या? चलो खाओ इसे, आ जाओ बहुत है खाना, सबको मिलेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस मेरे करीब मत आना, खाते जाओ तुम लोग। हाय जिसे देखना है वो तो आ ही नहीं रहा, तो क्या हुआ? ये दोनों तो देख रही है ना मुझे। वैसे दिन ब दिन पागलपन में इजाफा होता जा रहा है। ये लो खाओ खाओ खाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इतना भी बुरा वक्त नहीं आया कि मैं सिर्फ देखती रहूं। आप आ रहे हैं दुआन? तुम चलो मैं आता हूं।
देखते ही देखते परिंदे तो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। देखो मेरे करीब बिल्कुल भी मत आना, मैं तुम लोगों को खाना खिला रही हूँ, जाके उन लोगों को तंग करो, ठीक है? बिल्कुल पागल हो गई है। यिल्दिज़ एहतियात से, परिंदे कुछ ज्यादा ही आ गए। मुझे इस सब की आदत हो गई है दुआन, मैं तुम्हारे घर वालों की तरह नहीं हूँ, इन्हें रोज खाना देती हूँ, सब मुझे जानते हैं अच्छी तरह। क्या इन सब के नाम याद है? हाँ बिल्कुल, जॉनी डेप, ब्रैड पिट, और भी बहुत सारे नाम हैं जो मैं अभी तुम्हें बता नहीं सकती हूँ। खत्म हो गया, रुको और लेकर आती हूँ मैं। तुम लोगों के खाने के चक्कर में मेरे पाँव में मोच आ गई है, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। आई ये क्या हो गया मेरे साथ, बहुत दर्द हो रहा है। आई अब मैं हील नहीं पहन सकूंगी और आलिया भी मुझसे लंबी लगेगी। यिल्दिज़, दुआन तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। क्या मैं बर्फ मंगवाऊँ यिल्दिज़? नो, इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि गिर के संभलना आता है मुझे। ये डायलॉग जो अम्मी ड्रामा देखती है ना, उससे सीखा है मैंने। ड्रामे में वो जो आजकल सोप चल रहा है? हाँ बिल्कुल, मैं इस दुनिया में एक डाकू बनने के लिए आई थी, लेकिन ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं। ये भी क्या उसी ड्रामे का डायलॉग है? नहीं, ये उसका नाम है। खैर छोड़ो ये सब बातें, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। अपना ख्याल रखो। आने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैंने मेहमानों के लिए जो नए नैपकिन्स खरीदे हैं ना, वो लाकर यहाँ रख दो। जी ठीक है। या मेरे अल्लाह, एक मेहमान के लिए इतना ज्यादा इंतजाम कर लिया तुमने। अम्मी वो सिर्फ मेहमान नहीं है हमारा, दामाद है, ठीक है? अल्लाह करे शादी हो जाए ताकि हम जान छुड़ा सकें। मैं भी इसी कोशिश में लगी हुई हूँ, लेकिन खानदान को पता चलेगा तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। वैसे वो अभी है कहाँ, नजर नहीं आ रही। तैयार हो रही है, आ जाएगी वो। ठीक है। वैसे आज मैंने तुम्हें दुआन से बात करते हुए देखा था, तो बताओगी क्या चल रहा है? सच कहा जाए तो आपकी हर जगह पर नजर होती है, आपसे तो कुछ भी नहीं छुप सकता। हाँ मैं सुन रही हूँ यिल्दिज़, बताओ मुझे। हुआ कुछ यूँ, खाना डाल रही थी परिंदों को मैं। क्या? चले खैर इस तरह नहीं, तफसील से समझाती हूँ मैं आपको। जैसे फातिमा गुल को अगवा किया गया था ना, इस तरह परिंदे मुझे लेकर जा रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सच बताओ मुझे। मेरे पाँव में मोच आ गई थी और उसने देख लिया था और मेरी खैरियत पूछने आ गया था। क्या उसने शादी की बात की तुमसे? जी, उसने कहा कि तुम्हारे पाँव में मोच आ गई तो शादी कर लेते हैं। हद है अम्मी, आपकी हर चीज जाकर शादी पे खत्म होती है। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, इंतजार करना होगा। अगर हम इसी तरह इंतजार करते रहे ना, तो कोई और शादी कर लेगा उससे। समझ आई बात मेरी? बस कर दे। वैसे आपा बुरा मत मानिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो किसी से भी प्यार वगैरह कर सकता है। ये तो अच्छा है ना कुंवर, जो लोग इस तरह के जज्बात नहीं रखते उनसे अलग होना आसान होता है, और प्यार में पड़कर शादी करना मुझे तो बहुत बड़ी बेवकूफी लगती है। अच्छा, यानी हमें किसी ऐसे शख्स से शादी कर लेनी चाहिए जिसे हम पसंद नहीं करते? नहीं तो उन्हें पसंद कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, लेकिन प्यार बिल्कुल भी नहीं। यानी प्यार की कोई लॉजिक नहीं होती, जानते हो? जैसे कि पूरी जिंदगी किसी के प्यार में नहीं गुजार सकते। जिंदगी में एक दिन ऐसा आता है कि प्यार व्यार खत्म हो जाता है, और बाद में उससे किसी मोड़ पर मुलाकात हो जाए तो बिल्कुल अजनबी बन जाते हैं। वाह, आपने इतने अच्छे तरीके से समझाया कि मैं समझ गया हूँ कि ये रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा। सही कहा तुमने, तो और मुझे क्या कहना चाहिए? मैं हमेशा अक्ल से काम लेती हूँ, और अक्ल से काम लेने वाला इंसान सबसे पहले अपना फायदा सोचता है, बगैर किसी मकसद के। ना तो वो कहीं जाते हैं और ना ही किसी से ताल्लुकात बनाते हैं। खैर अगर आप इतने यकीन से कह रही हैं तो मैं दुआ करूंगा कि आप कामयाब हो जाएं। आपा मेरे पास ऐसा ना करने की कोई भी वजह नहीं है गुर। आपा मुझे आमिर के साथ कहीं बाहर जाना था तो मैं चलता हूँ, बाद में मिलूंगा। ओके, अच्छा वक्त गुजरे तुम लोगों का, बाय बाय। ख्याल रखिएगा। ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ चलो आ गया, अब चलते हैं। तुम्हें एक बात बतानी है। ओह देखो, अगर कोई बुरी खबर है तो मत बताना, अपने पास ही रखना उसे। क्या हुआ, सुन तो लो पहले। हाँ। एक अच्छी खबर है मेरे पास। याद है एक लड़की की तस्वीर दिखाई थी मैंने, वो आज मुझसे मिलकर बात करना चाहती है, पता है तुम्हें? मेरे ख्याल से हमें जाना चाहिए। क्या मतलब? हाँ हाँ बिल्कुल, किसी को जाने बगैर मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। खैर उसको आजमाने के लिए मैंने सादिक को भी बुला लिया है, देखते हैं वो यकीन करता है कि नहीं। हाँ ये ठीक रहेगा, वैसे अगर मेरी आपा की एंगन से शादी हो जाती है तो मैं इस शादी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ ये बात भी सही की। चलो चलते हैं। हाँ चलो ठीक है।
एंगन और आलिया का मेल मिलाप मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। क्या कहा आपने? बेटा, वो तुम्हारे मामू पर डोरे डाल रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रही कोमल? तो हम क्या कर सकते हैं फिर? क्या मतलब हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि वो एंगन से प्यार करती है, उसकी नजर सिर्फ पैसों पर है। तो वो पैसों के लिए शादी कर लेगी मामू से? ऐसा मत कहो बेटा, देखा है ना तुमने अपने मामू को, कितने हैंडसम है वो। हाँ हैंडसम तो है, मगर आप जानती हैं कि असल में कैसे हैं वो। आलिया तुम्हारे मामू को सिर्फ बेवकूफ बनाने में लगी है। क्या मजाक कर रही है, यकीन नहीं आ रहा है कि आलिया मामू में दिलचस्पी ले रही है। अब अगर वो शादी कर भी लें तो एंगन बिल्कुल भी मुआयदा नहीं करेगा, देख लेना। अरे अम्मी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, कैसी शादी कैसा मुआयदा? मुझे नहीं पता। दुआन आ जाए तो हम सब साथ में खाना खाएंगे फिर। खैर किसकी शादी हो रही है, अभी सुना मैंने। अगर हो सके तो किसी की शादी ना होने देना। आलिया की बात हो रही है, अम्मी का कहना है कि आलिया किसी भी वक्त मेरे मामू से शादी कर सकती है। क्या वाकई? ये तो बहुत अच्छी बात हो। देखा मैं सही कह रही थी। खैर ये बात तो मैं पहले से जानती हूँ खानदान, मैं किसी को भी परखने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती। देखा बेटा। हया अगर तुम इतना ही कुछ जानती हो तो मेरे बाबा और यिल्दिज़ एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, इसका अंदाजा तुम्हें हो जाना चाहिए। ध्यान रखना आलिया और एंगन के इंतजार में कहीं यिल्दिज़ बाबा से दोबारा शादी ना कर ले। क्या बकवास कर रही हो? बकवास नहीं कर रही, मैं तो सीधी बात कर रही हूँ। कोमल तुम्हारे बाबा की मंगनी हो चुकी है मुझसे। यानी मंगनी करने का मतलब ये भी नहीं कि वो तुमसे शादी कर लें, शादी के लिए वो इतना वक्त कभी भी नहीं लगाते। तो तुम ये कह रही हो तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं? तो हम क्या कर सकते हैं अब, चाहे हया हो या यिल्दिज़, इससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी देर तक आ जाऊंगी मैं। अच्छा यिल्दिज़, आपका दावत पे बुलाने का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, कल आपको आलिया के साथ देखा था तो सोचा क्यों ना घर पर दावत दी जाए। इस तरह आप हमारे बारे में सही अंदाजा भी लगा सकते हैं, है ना? और साथ में मशरूब लाने का भी शुक्रिया। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, बस आपको पसंद आ जाए। मुझे इस बारे में ज्यादा पता तो नहीं है, मगर दिखने में अच्छी लग रही है और आपकी चॉइस भी अच्छी है। बताया था ना तुम्हें? मुझे जानकर खुशी हुई क्योंकि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसकी कीमत ज्यादा थी तो मुझे लगा यही बेहतर होगी, तो ले आया। एक मिनट। एंगन मेरी जान, तुम इस तरह की कोई भी बात नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम हर चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हो। मगर यहाँ तो कोई भी अजनबी नहीं है। एंगन ने बिल्कुल सही कहा, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप सब लोगों को एक बात समझाना चाहूंगी, बहुत ज्यादा कीमती चीज होने का मतलब हर किसी नहीं होता कि वो सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज है। बिल्कुल, जैसे मिसाल के तौर पर आलिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मतलब आप दोनों बहनें हैं? जी हाँ। ज़ैनब कुछ अरसा अमेरिका में थी, बस कुछ ही दिन हुए हैं कि वापस आ गई हमारे पास। सच में? जी बिल्कुल, सरप्राइज दिया था, बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। ठीक है अम्मी, यानी हम लोग बहुत खुश हैं इसके यहाँ पर आ जाने से। ये तो अच्छी बात है, फैमिली से जुड़े रहना मुझे पसंद है। तो रिश्तों को मानते हैं बहुत। बिल्कुल सही कहा। अब जैसे कि मुझे और कुंवर को ही देख लो, एक दूसरे की जान है हम लोग। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपका और खानदान का रिश्ता कैसा है? हम काफी अरसे से साथ नहीं थे, लेकिन रिश्ता तो है ना, लेकिन फैमिली का यूँ साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तुम्हारा ये मसला भी हल कर दूंगी, तुम इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जा एंगन। बिल्कुल सही कहा। मैं अभी आती हूँ आयशा को देखकर कि वो क्या कर रही है किचन में। वैसे यिल्दिज़ काफी मिलनसार लगती हैं मुझे। हर किसी से अच्छी तरह पेश नहीं आती, तुम मेरे मेहमान हो इसी वजह से वो इस तरह पेश आ रही है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैं उसकी मदद करती हूँ जाके जरा। ठीक है।